एक्ट्रेस स्वीटी छाबड़ा की होली सेलिब्रेशन पार्टी। भोजपुरी इंडस्ट्री के काफ़ी सितारे आए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, मैंने भी बहुत ज़्यादा मज़ा किया। सबसे पहले आपको हैप्पी होली, और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे चेहरे इस समय पार्टी में आए हुए हैं। नीलम मैम हैं, शिवम जी हैं, प्रीति हैं, स्वीटी मैम खुद भी हैं, और रवि चंबल के डाकू इनको कहा जाता है। तो चंबल बॉय, कैसा फील हो रहा है आज इतने सारे आपके फ्रेंड्स आपकी पार्टी में आए हैं, आपके सम्मेलन में आए हैं, क्या कहेंगे? इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती। मेरे इतने सारे करीबी दोस्त जिनके साथ मैंने काम किया है वो सारे मेरे साथ हैं, आज यहाँ खड़े हुए हैं, और मेरे लिए वो समय निकाल कर आए, उसके लिए थैंक यू गाइस, सीरियसली दिल से। ये हमारी खुशनसीबी है, हमारा बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस बात की स्वीटी का कि हम लोगों को याद किया और हमें बुलाया और इतने अच्छे एक शाम का इंतज़ाम किया, और वो भी होली के इस पावन अवसर पे। जी, होली मिलन स्वीटी छाबड़ा जी के द्वारा हुआ, अद्भुत। तो आप सुन रहे थे शिवम भैया को, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं थे पहले, अब टीवी में चले गए ना, आप जो खबर आई हिंदी और सब में, बॉलीवुड, अब तो प्रोड्यूसर भी हो चुके हैं, ये प्रोड्यूसर भी हो गए, डायरेक्टर भी हो गए। क्या बात है, रवि से बात करते हैं, चंबल बॉय रवि यादव, क्या बात है आपकी। देखा मैंने काफी डांस आपने करा, बहुत ज्यादा मजा वगैरह, पीते खाते भी हो? सलाम नमस्ते, मैं हूँ रवि यादव और आप सभी लोग मुझे प्यार से चंबल बॉय कहते हैं। देसी भारत देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। मैं पीता नहीं हूँ और खाता भी नहीं हूँ। तो क्या करते हैं होली में? होली में पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, एक गेट टुगेदर का माहौल होता है, रंगों की होली खेलते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि पीना ही खाना ही होली होती है। आप देखोगे तो अलग अलग जगह पर ड्रिंक्स पार्टी नहीं होती है, सिर्फ रंगों की होली होती है। होली का नशा ही ऐसा है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आदमी पिए खाए। हाँ, होली अपने आप में नशा है, और वही हमारे रंग, रवि वही करते रंग जो है रंगों का अपना ही नशा है। जब ये रंग आपकी उस पे लगते हैं ना चेहरे पे, तब आप एक अलग ही नशे में होते हैं। वो नशा आज हमने देखा इनके डांस में, इनके डांस में, इनके डांस में, इनके भी डांस में, शायद आपके में, आपके डांस में तो मजा आ गया, वो तो डबल शॉट वाला मजा था। लेकिन क्या है कि जब तक पार्टी वार्टी ना हो, खाना खजाना ना हो, मजा ही नहीं आता है। मुंबई शहर है ये, एंड थैंक यू वेरी मच आपका कि आपने आज आपके भी इंटरव्यू में भी पता चल रहा है कि वो होली का क्या नशा है। दोस्तों आप मुझे आज देखकर पता लगा ही रहे होंगे, मेरे को एक्चुअली बहुत ये लोग रूह से जानते ना, तो उनको भी आज मैं थोड़ा सा अलग लग रहा हूँ, बुरा ना मानो, होली है। बहुत बहुत बधाई आपको, एंड बहुत शुक्रिया भी आपका, क्योंकि इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता इस साल आपने होली का पार्टी रखा है, आपने ये जो है पहल की है, बहुत शुक्रिया आपका। रवि, मैंने देखा कि आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, लेकिन वाकई में आज हम लोग ढूंढ रहे थे ना पार्टी कहीं तो हो जाए भोजपुरी की, जहाँ पर लोग मिल सके। नहीं, मैं इससे पहले भी इंटरव्यू मैंने कहा था, तो इसके लिए मैं स्वीटी जी को बहुत बहुत शुक्रिया बोलता हूँ कि एक माहौल होता है, पार्टी और एंजॉयमेंट तो अपनी जगह होता है, लेकिन एक छोटा सा गेट टुगेदर होता है जहाँ अपने लोग आसपास आ जाते हैं। उस पार्टी में कोई किसी से नाराज़ होता है तो वो भी आ जाते हैं एक सामने, तो गेट टुगेदर होता है, हाई हेलो हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता इस बार भोजपुरी में शायद किसी ने किया है, तो स्पेशली हाँ, कहें कह रहे हैं भाई स्वीटी जी ने किया ना, ऐसा मत बोलिए कि किसी ने किया होगा, स्वीटी जी ने किया और क्या, और बहुत अद्भुत पार्टी था। मैं वही बोल रहा हूँ कि इस बार भोजपुरी में किसी ने नहीं किया है तो स्वीटी जी ने किया है, ये भी भोजपुरी से आदमी सुपरस्टार आज भी हैं, तो मैं अपने आप को भी थैंक यू बोलता हूँ या इनको शुक्रिया बोलता हूँ कि मुझे बुलाया और इस शानदार पार्टी का, शानदार इवनिंग का हिस्सा बनाया। वी हैड अ ग्रेट 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 इवनिंग। क्या बात है, प्रीति प्रतिशत से बात करते हैं, बहुत डांस करा आपने। जी बिल्कुल, बहुत मजा आया, और सभी देखने वाले दर्शकों को मेरा नमस्कार, और हैप्पी होली, मजा लिया। हाँ बिल्कुल, मैंने तो बहुत डांस किया और बहुत इंजॉय किया, और सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री लगभग यहाँ पे आई हुई है और सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, सब खाना पीना सब चल रहा है, सब मजे एंजॉय। जी बिल्कुल, मैं धन्यवाद दूंगी। थैंक यू सो मच, सच में लिटरली मैं पहली बार मिल रही हूँ और बहुत प्यारी हैं, सच में मैंने जितना सुना था वैसे ही हैं मैम, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी हैं। मैम आपने तो ऐसी काफ़ी पार्टियाँ देखी हैं और बहुत सारा, आज स्पेशली क्या मज़ा आ गया आपको? यार सबने बता दिया कि होली तो अपने आप में एक मज़ेदार त्यौहार है, और बहुत ही होली सुनते ही कानों में एक मस्ती आ जाती है, एक मज़ा आ जाता है, और यहाँ सबसे अच्छा जो लगा वो था लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा, ये अपनापन के साथ, अपनापन के साथ लिट्टी चोखा, वो गरम गरम लिट्टी घी में डुबोया हुआ, हा जो चोखा, दारू पीने में वो नशा कहाँ है जो आज लिट्टी का नशा एक्चुअली एक्चुअली दोस्तों मेरा शो आता है लिट्टी चोखा विद धर्म,
नमस्कार, हमारा नाम है धर्म, हमारा जो लिट्टी है ना वो है बहुत ही गर्म, और सुनो हमको कोनो बात की बिल्कुल भी नहीं है शर्म। क्या बात है मैम, बड़ा एकदम एक्साइटेड हो गई हैं आप लिट्टी चोखा के नाम से, और स्पेशली आज रखा भी है, इसके पीछे की क्या आपकी नीयत रही है? मेरी नीयत कुछ खाने की थी जो खाने को नहीं मिली अभी तक। एक्चुअली मुझे पर्सनली लिट्टी चोखा बहुत पसंद है, और जब मैंने ये थीम भी रखा था ना तो मुझे यही माइंड में था कि ये एक स्पेशल डिश होती है अपने बिहार की, और यूपी में भी लोग खाते हैं, तो मुझे लगा मुझे इसको रखना चाहिए, थोड़ा नया लोगों को लगेगा और अपनापन लगेगा, इससे सबका जुड़ाव है, मेरा भी पर्सनली बहुत जुड़ाव है। देखिए ये बहुत बड़ी बात बोला उन्होंने कि मुझे खाने को नहीं मिला, इसका मतलब इन्होंने अपने गेस्ट लोगों का बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत किया जो अभी तक ये नहीं खाए हैं। तो अच्छा लगता है कि जो पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं वो सबका बहुत ख्याल रखे, तो मैं चाहता हूँ कि इंटरव्यू के बाद आप खा लीजिएगा। नहीं नहीं मैं खाऊंगी। एक चीज़ हम बोले थे धर्म भैया कि देखिए हमने लोगों के यूपी बिहार में एगो खैनी होला जो एक दूसरे से जोड़ेला, जो भी आदमी खैनी खाता है एक दूसरे को भैया प्यार से, और खैनी के साथ साथ एक और है वो है लिट्टी चोखा। जैसे कि होली मिलन समारोह स्वीटी जी रख ले हैं, उसमें लिट्टी चोखा ना हो तो फिर यूपी बिहार का मजा ही ना रहे। तो आज लिट्टी चोखा के साथ होली मिलन समारोह अद्भुत रहे, मजा आ गया। क्या है कि होली के लिए जब तक कुछ बढ़िया सा आप बोले नहीं, कलाकार आदमी है, कुछ शायरी हो जाए, कोई गाना हो जाए, कुछ तो हो जाए, लगे कि हैप्पी होली लगे, तो कुछ तो थोड़ा बुरा मत मानी होली है। इससे अच्छा गाना और क्या, इससे अच्छा कुछ नहीं। आप तो कुछ बोल लीजिए। गाना आता ही नहीं है, कितनी बार बोलूं यार भाई, हैप्पी होली के लिए कुछ तो बोलेंगे, इतना इतना बड़ा बड़ा इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर रही हूँ तब से, हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली, पूरा ना मानो होली है। ओके सो फिर वापस एक बार चलते हैं रवि के पास। रवि, आखिरी में जाते जाते क्या कहेंगे तमाम दर्शकों को, होली किस तरह से लोगों ने मनाई है, क्या कुछ चल रहा है आपके दिमाग में? देखिए होली साल में एक बार आती है तो बहुत शानदार तरीके से बहुत अच्छे से मनाना चाहिए, हाँ, बट अपने फेस को कवर करके मनाना चाहिए कि किसी की बॉडी पर इफेक्ट ना हो, किसी को परेशान ना करो। साल में एक बार आती है, मस्त से होली मनाइए, खूब इंजॉय कीजिए, खूब खाइए हुड़दंगे के साथ में, लेकिन पुलिस वालों से जरा बच के, क्योंकि जहाँ हुड़दंगे होती है मतलब पुलिस वाले आ जाते हैं। मुझे लगता है हुड़दंगी करनी है ना तो वो प्लीज़ अपने दोस्तों और अपने घर में करो, दूसरों के साथ हुड़दंग नहीं करें, कृपया करके दूसरों को तंग ना करें। एक सवाल आपसे, आपके साथ में सुपरस्टार खेसारी जी जो को स्टार हैं, बहुत ज़्यादा आपकी जोड़ी पसंद आती है, यहाँ पर नहीं है हालांकि मलाड में उनका शो चल रहा था, बट अभी खत्म हो गया होगा। मुझे उन्होंने कहा कि मैं शो में हूँ, अगर मेरा शो खत्म हो गया जल्दी तो, मगर मेरा पार्टी का टाइमिंग भी, क्योंकि परमिशंस होती हैं मुंबई में आप जानते हैं, तो लिमिटेशंस होती हैं टाइम की, अब वो लेट हो जाएंगे तो फिर मैं बुला लूँगी, ऐसा नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है, जगह उनके भी लिट्टी चोखा तैयार हो जाएगा अगर वो आ गए तो। स्वीटी जी का तो दिल बहुत बड़ा हुआ है, मैं कौन दूर आए, तीन राय, चार राय, पांच राय नहीं क्या। जी बिल्कुल, सब लोग हैप्पी होली और सेफ खेलें, और सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, रंग से खेलें, एक दूसरे से प्यार से स्नेह से मिलें, जितने भी पुराने गिले सिकवे हैं सब खत्म करें, और सबको एक बार हैप्पी होली। शिवम भैया, मेरे को तो लगा आरा रा 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 रा, वो जो बोलते बोलते हैं ना, मेरे को तो लगा था एक आक लाइन तो आप बोल ही देंगे, आरा रा रा पता नहीं क्या तो खेलते हैं ना। अरे तो बोल दिया ना अभी, ऐसा कुछ मांगता है क्या, मांग दिए यहाँ पे, बोल दिए। आप कहाँ से हो? मैं लखनऊ से, अकबरपुर लखनऊ। एकदम गाओ यार। मुझे, मैं सिंगर। ये नहीं क्यों पता है हम लोग को, क्योंकि इन लोगों को गाते हुए सुनते हैं, उसके आगे क्या क्या वो नहीं पता है। देखें देखें धर्म भाई, हमने लोग कलाकार हैं, है ना, हम लोग सिंगर नहीं है, गायक नहीं है, तो हम लोगों से जो पूछे के बा वो विदाउट गायकी के अलावा सब कुछ पूछ ला, जो जो पूछे के। होली है लेकिन इनके ऊपर एक भी कलर नहीं है, यहाँ पर आओ, तो अभी कलर लेकर आता हूँ, और आप ना इनको पहले लगाइए, आ जाओ जाओ, कलर लेके आते हैं, इधर आओ रोशन, इधर आओ, कलर लेकर आते हैं, सबसे कम वाला कलर यही दिख रहा है। मैम थोड़ा सा प्लीज़ आप एक कलर ले सकते हो क्या? ले लो ना, आओ ना प्लीज़, अपने हाथ में ऐसा पूरा प्लेट उठा लो ना, आ जाओ आइए। तो मैं कलर लेकर जा रहा हूँ दोस्तों, और देखिए शिवम जो है बड़ा साफ सुथरा, बड़े प्यारे लग रहे हैं, यहाँ पर तीन तीन महिलाएं हैं, साथ में रवि भी हैं, एंड ये सारे मिलकर के अब शिवम जी के साथ होली खेलेंगे, क्या बात है, होली सेलिब्रेशन। OMG, क्या बात है भाई, इधर भी देखिए इनका भी जो चेहरा, हाँ इनका गौर से देखिए, साफ सुथरा लग रहा है, थोड़ी देर बाद इस पे कलर आ जाएगा।
जाएगा। अरे हमारी बहना भी तो बहुत क्लियर है, इनके भी चेहरे पे कपड़े में मेरे। हैप्पी होली, क्या बात है। अच्छा इनको इनको होली लगाना जरूरी है गाइस, सब लोग इनको 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 ये इनको होली लगाना जरूरी है। हैप्पी होली, देख रहे हैं देसी भारत पर स्वीटी छाबरा जी की होली कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरह की होली बनी रहेगी, आप बने रहे, अच्छी बनी और ये बचे रहे, आप बने रहे देसी भारत के साथ, बने रहे देसी भारत के साथ। वाह क्या लग रहा है।